हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंजल नंबर 555 आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए। बस यूनिवर्स से यही रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उनका आपको सोल्यूशन मिले, वो भी पीसफुली। अगर चेंज है ना, वो यूनिवर्स की तरफ से होगा तो वो आपके अच्छे के लिए होगा, इसका गारंटी है। लेकिन आप जो सिर्फ आप बोल रहे ना कि यही चाहिए, तो वो ज़रूरी नहीं कि वही हो। लेकिन आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे कि वो चेंज हो रहा है, तो वो आप जानेंगे कि ज़रूरी था। जब आप चीज़ें ना सोचेंगे कि भाई ये क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ था, तब आप ज़रूर कहेंगे कि हाँ ये बेहतरी के लिए था। तो जो कमेंट्स आए थे उसमें था कि मेरा एनालिटिकल स्किल काफ़ी अलग है, काफ़ी अलग, मतलब अदर टैरोट रीडर से। तो डेफिनेटली है, क्योंकि मैं सिर्फ टैरोट रीडर नहीं हूँ, मेरा ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में हुआ है और मेरा MBA फाइनेंस में हुआ है। तो मेरा एक अलग ही अप्रोच में जाता है कि हर चीज़ को एनालिटिक्स में देखने का, और सब चीज़ है बहुत अलग है। ऐसा नहीं कि मेरा इंट्यूशंस ऑब्वियसली मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उस मैं सिर्फ उसके बेसिस पे ही रीडिंग करना बिलीव नहीं करती। इंट्यूशंस तो कार्ड्स की होती हैं, बट एक अलग लाइफ का एक्सपीरियंस है। मेरे पर्सनल रीडिंग्स जो भी किए हैं, जो भी आसपास के लोग हैं उनके एक्सपीरियंस से जो भी सीखा समझा है, उसके बेसिस में मैं आपको जो बताती हूँ या जैसे सजेशन दे रही हूँ या रेमेडीज दे रही हूँ वो होता है। तो जिसमें सॉल्ट बाथ रेमेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो कपूर की रेमेडी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो वो आप ज़रूर हमेशा ट्राई कीजिए। तो वो एक चीज़ है। और जिनको रिज़ल्ट आया है और वो जब कहते हैं कि आपकी वजह से, तो मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, मेरी वजह से कुछ नहीं है, मैं कोई नहीं हूँ उस यूनिवर्स के सामने। ये जो कर रहे हैं ना, सब कुछ जो आपकी तकलीफ थी ना, उसका कारण यूनिवर्स नहीं था, लेकिन आपका मतलब यूनिवर्स ने आपको ये कुछ बताने के लिए, कुछ बेहतर बनाने के लिए सब चीज़ें आपके साथ की थी। तो प्लीज़ यूनिवर्स को गलत मत समझिए। आप खुद, मैं बार बार कह रही हूँ, आप जब आगे जाएंगे, आपके साथ जब चीज़ें ठीक होंगी ना, तब आप ज़रूर यूनिवर्स को थैंक्स कहेंगे कि आपने ये सब सहा है, आपने ये, आपको ये सामने दिखा हर चीज़, एक उसका एक रीज़न था, एक कारण था, और वो सच में ऐसा था। और सेकेंडली, जो मेरे कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि बहुत मायने रखता है। क्योंकि एक कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत हाईली इंट्यूटिव होती है, एक चैनलिंग होती है मुझे इंट्यूशंस की। तो बहुत अच्छा है। तो आप जिस कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि आपको कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है, तो इसके ऊपर और वीडियोज़ बनाने चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं करंट फीलिंग्स। पहले एनर्जी ओरेकल से देखेंगे। शफल प्रॉपर नहीं किया, तो ब्रोकन हार्ट 9 नंबर, 46 नंबर द थिंकिंग मैन, एंड 26 नंबर, जबकि आज की डेट है हॉस्टिलिटीज़। और ये आज की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। वॉकिंग अवे 27 नंबर, और 44 नंबर अगेन वुमन होल्डिंग हार्ट, 8 नंबर वापस आया है, और अगेन 8 नंबर आप देख सकते हैं। मुझे जस्ट अभी आपको कुछ मुझे बोलने से पहले मुझे ऐसा लगा कि आज ना 888 की एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। और जैसे रीडिंग स्टार्ट हुई, जैसे मुझे लगा कि 888 की एनर्जी फील हुई, और आप देख सकते हैं, मैं ऐसे रखना चाहूँगी, 26 44, और ये 26 8 नंबर, 44 8 नंबर, और ये 8 नंबर। तो 888 एंजल नंबर शायद कुछ लोगों को बहुत दिख रहा हो, ये भी चांसेस है, या दिखेगा, समाव ऐसा लग रहा है। बॉटम डेक है द स्ट्रॉन्ग वार्निंग, 9 के बाद 10 आया है, और आप देख सकते हैं कि 8 9 9 की एनर्जी भी दो बार है, और अगेन 10 की एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि यस, जो मुझे फील हो रहा था वही है कि आपकी जो
पर्सन की जो लाइफ साइकिल है ना तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जो अभी उनकी जो ना सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन हो, जो भी सिचुएशन है, माना कि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट ना हो, वो जो भी है, मैं इन कार्ड्स की बात कर रही हूँ, मैं इन कार्ड्स की एनर्जीज की बात कर रही हूँ, तो वो ये कह रही है कि जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, पर्सन से जो भी डील कर रहे हैं ना, उनकी एनर्जी में स्ट्रॉन्ग वार्निंग, यू नो, बहुत ही बड़े तूफान आए हुए हैं, पहले नहीं था लेकिन अभी हो रहा है या ट्रिगर हो सकता है, खास करके आज के बाद मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि 8 के बाद 9 और फिर उसके बाद 10, ये एनर्जीज काफ़ी, मतलब 8, 9, 10 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एकदम सीक्वेंस में आई है, तो बहुत ज़्यादा तूफान, और जैसे था नहीं ना, था नहीं लेकिन होगा, वो एनर्जीज है काफ़ी ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो भी सिचुएशन में, जो भी रिश्ते की सेपरेशन की वजह है, या थर्ड पार्टी इश्यूज है, या कुछ भी है ना, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा तूफान मचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स है, डिसएग्रीमेंट्स ना, मनमुटाव बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा चेंज है। जैसे कि अगर पेरेंट्स का भी प्रॉब्लम है आपकी तरफ, या मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये टाइप के भी प्रॉब्लम है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, उधर बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, और वो एनर्जी इसके लिए है कि उनकी जो सिचुएशन है, हाँ, अगर सिचुएशन कोई भी हो, किसी भी रीज़न से हो, वो सिचुएशन में अभी चेंज आने का वक्त हो गया है, चेंज आने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि या तो आ रहा है, आ चुका है, या आज से चालू होगा, ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो गया। सबके साथ रेजोनेट हो जरूरी नहीं है, बट समाव वैसे फील हो रहा है कि वो आज के आज से चालू होगा, ट्रिगर होगा, और वो बढ़ते जाएगा, और वो चीज़ ना कंप्लीशन की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कार्मिक सिचुएशंस थी, कार्मिक रिलेशंस थे, और जो साइकिल्स थी वो कंप्लीट होनी ज़रूरी थी। अभी जो इनकी एनर्जीज है ना वॉकिंग अवे, वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, क्योंकि जो रीज़न से, लाइक यू नो, करियर के लिए छोड़ा हो आपको, या करियर को पहले प्रेफरेंस दिया हो, या जॉब को प्रेफरेंस दिया हो, फाइनेंसेस को हो, माँ बाप को हो, दोस्तों को हो, या किसी भी, मतलब कुछ लोग हैं ना, दोस्तों की बातों में भी आ जाते हैं कि भाई दोस्त कह रहे हैं कि ये लड़का या लड़की तुम्हारे सही नहीं है, तो भी वो मतलब समाव एक बहका में आ जाते हैं, हाँ ऐसा ही हो सकता है, ये वाली एनर्जीज होती है ना किसी लोगों की, तो वो भी एक इशू था, नो, वो भी एक इशू था, तो वो है, या आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, या फिर मैरिड है, या कुछ भी सिचुएशन है, इवन आप लोग मैरिड हैं लेकिन आपका जो सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स केसेस चालू है, या कुछ भी है, तो अगेन जो थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी, जो भी रीज़न है इस सेपरेशन का, तो वो रीज़न अभी ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस में गया है, और इनडिसीजन मतलब कन्फ्यूजन पैदा हो गया उनको, मतलब जैसे कि उनको अभी तक ना चीज़ें खींच रहे थे, या तो खुश रहे थे या तो खींच रहे थे, दोनों भी सिचुएशन में चेंज आ गया है डेफिनेटली। कुछ भी हो, न्यूली मैरिड, हाईली मैरिड, सब मतलब बहुत अरसे से मैरिड वगैरह, कुछ भी हो, सिचुएशन में चेंज होगा। एक अभी ना जैसे ना परत खुलती है ना, मतलब एक कोई चीज़ का हमें ना बहुत नया नया रहता है ना, एकदम मस्त शाइनी फील होता है, एकदम चमकती दिखती है सब, लेकिन वो मतलब जैसे दूर से देखा तो सोना लग रहा था, चमक रहा है इसलिए, तो अभी जब पास से देख रहे हैं तो वो सोने की जस्ट एक परत थी, वो निकल गई है, तो वो चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है ना। अभी सिचुएशन में ऐसा हो रहा है ना कि बर्दाश्त के बाहर जा रहा है हर चीज़, कि नहीं हो सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता या कर सकती, ये सिचुएशन में आ रहे हैं, और उनको ना समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, बहुत सारी, क्योंकि सी डिसीजन से ना कमिटमेंट और आपकी तरफ आना, इट्स नॉट ईजी कि आके जस्ट बोलो और हाय करो और बस एक दूसरे के बाद, क्योंकि अभी ये रिश्ता जब डिस्टर्बेंस से गुजरा है, और ख़ास करके इस सिचुएशन पे आया ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी ना, मैच्योरिटी की ज़रूरत है, सोच समझने की ज़रूरत है आपको, उनको हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर भी है। दूसरा चीज़ की जो पास्ट वुंड्स है, पास्ट के जो ज़ख्म है, वो नहीं, वो वापस रिपीट ना हो, वो इंसान का एक डर तो रहता है, कोई भी हो, आप भी होंगे उसी जगह, तो आपको भी डर लगेगा कि कहीं वापस ना हो जाए, ये एनर्जीज तो रहती है,
तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना, हीलिंग क्यों ज़रूरी है, हीलिंग जख्मों को भरना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वही जख्म वही चीज़ ना वहाँ पे ही हमेशा दाग लगते रहते हैं, वहाँ पे ही हमेशा, आप कभी भी ऑब्जर्व करो, इवन आपके फिजिकल वुंड्स भी होंगे, आपके फिजिकल जख्म भी होंगे ना, उस जख्म पे ही हमेशा जाके लगता है, कितना भी बचाने की कोशिश करो। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक रिलेट करती है हमारी हार्ट प्रॉब्लम से भी, स्पेशली इन कनेक्शंस में। अभी ये उनकी तो मूव ऑन करने की एनर्जी है, इच्छा तो वॉकिंग अवे की है, मतलब चलो आगे बढ़े और इस दृश्य से निकल जाए, वो चीज़ दिख रही है। यहाँ पे मुझे अगेन दिख रहा है कि उनकी जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि सोच विचार चल रहा है। जैसे मैंने हमेशा कहा ना कि ये जो बंदा है या बंदी है, जब दुख में होता है तभी भी आपको याद करता है, और सुख में होता है तभी भी याद करता है। अभी दुख में होने की, याद करने की रीज़न है कि आपके जैसा है ना, आपके जैसा कोई चीज़, मतलब आपके जैसा इंसान मिलना मुश्किल। आप बताओ ना कि ऐसा कोई इंतज़ार करेगा क्या, साथ देगा क्या, हर बात पे, फाइनेंशियल से लेके हर चीज़ पे सपोर्ट करेगा, कोई होगा इम्पोर्टेंस देने वाला, वो नहीं हुआ ना, तो इसलिए तो दिल टूटा है। तकलीफ तकलीफ तकलीफ, वो चीज़ ही फील हुए और तभी भी आपकी याद आती है। और दूसरा, जब भी वो रोमांटिक भी फील करते हैं तभी भी आपकी याद आती है। अभी वो क्यों? क्योंकि जब भी वो रिलेशन में कंप्लीशन सेटिस्फेक्शन की बात होती है ना, तो वो फीलिंग सामने से नहीं मिलती, तब जाके एक अजीब सा खालीपन फील होता है। होने के लिए सब कुछ है, लेकिन बस एक कंप्लीशन फील नहीं होता, एक उसमें वो अलग ही मिसिंग एनर्जी फील होती है। तो ये आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको मूव ऑन करना कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा खींचती है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता ना कि ये जो इनकी एनर्जी है, ये आपको फील करेंगे कि, मतलब आपको फील करवाएंगे लिटरली ड्रीम्स के थ्रू और किसी भी तरह, कि वो आपको बेहद याद करें, आपके गिफ्ट्स है, आपके फ़ोटोज़ हैं या आपके DPs है, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है, सब कुछ, मतलब लिटरली बहुत देखते रहते हैं, लिटरली देखते रहते हैं, जैसे ही मौका मिले, जैसे पॉसिबल हो, तो बहुत ज़्यादा देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स ऑफर आप ही की तरफ आ रहा है, आप देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में मूवमेंट ज़्यादा है, इमोशनल ऑफर वो आपकी तरफ बढ़ाने की बहुत सोच में है। उनको पता नहीं कि ये कैसे होगा, पॉसिबल नहीं लगता ना, कि इतनी सारी तकलीफें हैं, मतलब कितने सारे प्रॉब्लम्स है और सब कुछ है, और सबसे बड़ी चीज़ तो उन्होंने गलतियाँ भी ऐसे की है, ऐसे वक्त पे छोड़ा है, और एक तरफ एक पिछले जख्म है कि ऐसा लगता है कि कहीं वापस ये सब ना हो जाए, किसी ऐसे सच्चे प्यार करने वाले वापस ना खो दूँ, मतलब कुछ अच्छा अपने नसीब में है वो भी खो दूँ, ये भी एक एनर्जी फील हो रही है। लेकिन फिर भी लाख प्रॉब्लम ही सही, लेकिन घूम फिर के ऐसा लगता है कि बस कुछ तो ऐसा चमत्कार हो जाए और वापस ये रिश्ता जुड़ जाए, ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको काफ़ी हद तक कमिटमेंट के लायक इंसान समझते हैं, मतलब कि उनको लगता है ना कि आप है ना बेहद कमिटमेंट टाइप पर्सन हो, कि जिसके साथ है ना एक स्टेबिलिटी फील होता है, एक सपोर्ट फील होता है, एक बहुत ही ज़्यादा एक मजबूत रिश्ता जो एक कायम रह सकता है, साथ रह सकता है, और इसमें ना बहुत ज़्यादा एक कंपैटिबिलिटी बोलते हैं ना कि एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो, या संभाला जा सकता है, सहा जा सकता है, आगे निभाया जा सकता है, ऐसा रिश्ता फील करते हैं। यहाँ पे अगेन उनकी जो स्पाउस है, अगर मैरिड है तो वो एक इश्यूज़ है, और मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, कि मदर इन लॉ, ये भी फील हो रहा है मुझे। टेन ऑफ सोर्ड्स और ये ब्रोकन हार्ट, अगेन धोखा उनके साथ कहीं ना कहीं हुआ है बहुत, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा ना कि ये होना ज़रूरी था, क्योंकि तभी जाके एनर्जी ट्रिगर होगी, यू नो, धोखा या चीटिंग या हार्ट ब्रेक होना ज़रूरी है, तब जाके एनर्जी ट्रिगर होगी, क्योंकि फाइनली जाके तीर है ना वो दिल पे लगा है, तीर है वो दिल पे लगा है, तब जाके वो बहुत चीज़ें चेंज हो रही है, बहुत, मतलब हर तरीके से चेंज हो रही है, जब खुद फील कर पा रहे हैं ना कि वो ये क्या था और वो क्या था, तो वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है अभी।
क्वीन ऑफ कप्स, तो वो आपकी जो एक एनर्जी है ना, एक लविंग केयरिंग एनर्जी, उसको बहुत मिस किया जा रहा है। माना कि जो भी आपका जेंडर हो, मेल हो आप, फीमेल हो, जो भी है, लड़का लड़की, लेकिन एनर्जी उनकी आपको मिस की जा रही है, क्योंकि एक खास करके एक लविंग केयरिंग एनर्जी है ना, वो इजी नहीं होती ना आपको ऐसे लाइक प्यार करने वाले वगैरह, वो लोग उनको मिल जाएंगे, मिलते हैं, मिले हैं, सब कुछ हो, लेकिन एक जो सच्चा प्यार होता है ना, एक सच्ची फीलिंग्स, प्योर फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा कम लोगों में हमें फील होती है, वो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मिसिंग है। एट ऑफ पेंटिकल्स, काम में बहुत बिजी है या रिश्ते के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, उनको लगता है कि इस रिश्ते में उनका जो उनका जो योगदान है या उनका जो पार्टिसिपेशन है बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मुझे इस रिश्ते के लिए काम करना पड़ेगा, मुझे अभी क्या करना है वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो कुछ भी रीज़न है जो भी आप लोग का था वो उसके लिए तो सेपरेशन कर लिया, लेकिन अभी जब मुझे वापस चाहिए वो रिश्ता, तो मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये फील हो रहा है मुझे, कि उनको लगता है कि नहीं, मतलब मुझे इस रिश्ते के ऊपर सोचना चाहिए, उसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए, क्योंकि हर बार लक साथ नहीं देगा, हमें भी कुछ करना पड़ता है। अभी एग्जैक्टली यही एनर्जी यूनिवर्स चाहती है उनमें चेंज होने की, उनको चेंज होना पड़ेगा, ये जो सेपरेशन है ना उसमें यही तो चाहती है यूनिवर्स कि चेंज होना पड़ेगा, बंदा या बंदी वापस तो आ जाए लेकिन बेहतर होकर। किंग ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा रूखे, रूढ़, चिड़चिड़े, बहुत ऐसी एनर्जी है कि बात बात पे चिढ़ते होंगे, और मतलब गुस्सा है अजीब से, नसीब से, लोगों से, ये क्या है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कहीं ना कहीं, मतलब उनको पता है फिर भी कि ये जो हम अपनी गलतियां करते हैं ना, उसी का नतीजा है, हमारे साथ होता है, हम धोखा करते हैं, हमारे साथ जब धोखा होता है ना, तब जाके पता चलता है कि धोखे की एक्चुअली फीलिंग्स क्या होती है। बोलने के लिए धोखा वर्ड सुनना बहुत आसान है, जिसने सहा है ना उसको पता है कि उसकी डेथ क्या होती है, फीलिंग क्या होती है, चल रहे दोनों एक साथ, अचानक से कोई हाथ छोड़ के चला जाए और सामने वाले को पता भी नहीं वो हाथ कब छूटा, अब पता, अब मतलब वो फीलिंग, वो पल बर्दाश्त के बाहर होता है, लिटरली बर्दाश्त के बाहर होता है। तो अभी बहुत ज़्यादा कटआउट की एनर्जी, बहुत गुस्से में अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन है वो उससे ना कट, नेगेटिव कट, और बहुत ज़्यादा क्लियर और क्लैरिटी चाहते हैं, जो भी है सच बोलो या सच सुनो, ये एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये आपके लिए बहुत बेचैन हो रहा है, जल्द से जल्द जैसे कि सब कुछ ठीक हो जाए, मिरेकल की तरह, माना कि उनके लाइफ में जो जिस तरह से उनकी मन में खिचड़ी चल रही है कि कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं, आगे जाके अगर ख़राब हुआ तो ये हुआ तो वो हुआ था सब कुछ, लेकिन एक मोमेंट आता है ना कि वो सब कुछ भूल जाते हैं और ऐसा लगता है कि कब आपके पास आ जाए, कब आपसे बात करे, कैसे मौका मिले, क्या हो, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यस, कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, नई शुरुआत है, कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, एक ऑफ़र है आपको, मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल ऐसा पेंटिकल है, नाइट ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली मूवमेंट है उनके एक्शंस में, मूवमेंट है सब, जैसे ना यूनिवर्स हर चीज़ से ट्रिगर कर रही है उनको, सच दिखा के, सच मतलब आईना दिखा रहे, एक मिरर दिखा रहे उनको, भाई देखो आप क्या चल रहा है, एक तो नज़रिया बदल रही है, लोग देखो, सिचुएशंस देखो, कौन कैसा है देखो, कंपेयर करो क्या चल रहा है, क्या किया था, हर चीज़ जैसे यूनिवर्स कर रही है, और ये इनकी एनर्जी अभी ऐसा है ना कि आपकी तरफ वो बढ़ रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको आपके पास आना चाहते हैं, और ये रिश्ता ना बहुत ज़्यादा मुझे मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है, स्टेबिलिटी। पेज ऑफ वैंड्स, अगेन नई ऑफर्स और नई पैशन, मतलब पैशनेट बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी है ना, काफ़ी ज़्यादा ना कभी कभी ना इमैच्योर, मतलब बेचैन ऐसे हो जाते हैं ना कि जैसे बच्चे की तरह जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं बस अभी करना है, मुझे नहीं पता कि आगे जाके क्या प्रॉब्लम हो या क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या होगा, सुनना नहीं है, कुछ नहीं है, बस उस पल में, उस वक्त में जैसे ना बात करनी है, बात सुननी है, आवाज़ सुननी है, मैसेज करना है, कुछ भी, ये एनर्जी फील हो सकती है। और फोर ऑफ कप्स, उनको बहुत पछतावा है कि उन्होंने क्या खो दिया, यूनिवर्स की तरफ से जो आपका कप इमोशनल आया था उसकी तरफ
उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, बहुत बड़ी बात थी ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है ना कि अपनी दुनियादारी में, अपने प्रॉब्लम्स में, अपनी सोच में इतनी उलझे हुए हैं कि यूनिवर्स की तरफ से जो आपका कब आ रहा है, जो आपके जो आपका जो ऑफर आ रहा है वो नहीं देख पा रहे, क्योंकि ये सब एनर्जीज है ना इस तरह काम करती है कि आपके जो मैनिफेस्टेशन से, आपके मेडिटेशन से वो वर्क कर रहे हैं, आपकी जो दिल से निकली हुई फीलिंग्स है ना यूनिवर्स उनकी तरफ पहुंचा रही है, बहुत पहुंचा रही है। और मतलब एक लोग ऐसे समझते हैं ना कि ये क्या चल रहा है, कि ये टैरो रीडिंग और कैसे काम करती है, ये काम कैसे करती है ना, सच में सच पूछूँ तो ना, जब मैंने सुना था टैरो रीडिंग के बारे में तभी तब ऐसा लगा था कि कैसे हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये साइंस गलत है या ये सब गलत है, मुझे ऐसा लगता कि कैसे हो सकता है ऐसा, पता नहीं, मतलब एस्ट्रोलॉजी लगता है कि हाँ ठीक है ये ऐसा होता है ये है, बट टैरो रीडिंग कैसे वर्क करते हैं। लेकिन जब खुद देखा, खुद जाना, खुद ये सब किया, तभी पता चला कि ये किस कदर वर्क करती है और किस एनर्जीज और किस तरीके से वर्क करती है। पूरी तरह साइकोलॉजी और इंट्यूशंस और प्रश्न चार्ट होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उसी की तरह वर्क करती है और ज़रूर वर्क करती है। इसे अंधविश्वास के नहीं, एक पूरा विश्वास, प्योर ट्रस्ट बोलते हैं ना, उसके ऊपर काम करती है। क्योंकि आपको अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास नहीं, तो चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होंगी, होगी नहीं ना। आप जो बोलते हैं ना वही मैनिफेस्ट होता है। आप अपने आप को बोले ना बुरी किस्मत है, बुरी किस्मत है, ये है वो है, मैनिफेस्ट करोगे तो वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है। लेकिन आप मतलब मैं जिनको जानती भी नहीं है, उन्होंने जब बोला है कि मैनिफेस्टेशन मेडिटेशंस वर्क करते हैं, तो उनको पता है कि जब हमारी एनर्जी चेंज होती है ना, तो आसपास का सब चेंज होता है, हर चीज़। एंड द बॉटम देखें द स्टार, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा होप है कि चीज़ें बिखर भी रही हैं लेकिन समेटने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें बिखरना ज़रूरी था, कुछ चीज़ें समेटने के लिए। तो वो यूनिवर्स डिसाइड करेगी कि कौन सा रिश्ता सोल कनेक्टेड है और कौन सा रिश्ता टूटना है और कौन सा रिश्ता जुड़ना है। तो जो सोल कनेक्टेड है और जिनका डिवाइन टाइम आया है, तो उनका जैसे ना कमिटमेंट, ऑफर्स, मैसेजेस सब कुछ आके रहेगा। और यहाँ पे अगेन ये दिख रहा है कि आपका जो जो रिश्ता है जो डिवाइनली गाइडेड है, और इसमें बहुत होप है, बहुत ज़्यादा होप। आप उनके लिए वो होप हो, आप उनके लिए वो स्टार हो जो काफ़ी दूसरे लोगों से चमकता है, वो स्टार हो। बहुत ज़्यादा होपफुल है क्योंकि इतने जब हमारे पास है ना बहुत खोने के लिए कुछ नहीं रहता ना, तो हमें उस पल का याद आता है, उस इंसान का याद आता है, तो हमें उस वो होप का एक इंतज़ार रहता है। कुछ भी हो जाए इंसान ऐसा मतलब एक बनाया है इसके लिए ना कि एक होप पे ज़िंदा रहता है। तो वो होप उनको फील होता है कि उनके लाइफ में जब ठीक होगा और वो कैसे होगा, तो वो यूनिवर्स उनको ट्रिगर करती है वो कौन है और किसकी वजह से होगा। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, भला कि कितनी मजबूरी है लेकिन कुछ भी हो जाए वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की इच्छा तो रखते हैं। ये कल भी आया था, यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स कैन, आपके अलावा उनको मतलब मैंने कहा था ना कि एक ऐसी खुशी हो आप या अलग है एक रिश्ता में कि जैसे आपके अलावा उनको कुछ खुशी, वो खुशी नहीं दे पाता। मतलब आप चिढ़ते हो ना तभी भी उनको खुश होता कि इस कदर जो हक से कोई बंदा या बंदी मेरे पे चिढ़ता है ना या रोक टोक करता है तभी भी अच्छा लगता है, वो वाली एनर्जी है। आई विश आई कुड पैक यू, तो उनकी विश है कि वो आपको ना बांध के रखे, मतलब आप ताकि हम हमेशा अपने आप साथ रह सकें। लव इज़ इरेजिस्टिबल डिज़ायर टू बी इरेजिस्टिबली डिज़ायर्ड, उनको मुश्किल हो रहा है मतलब आपके बिना रहना लिटरली। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है आई एम नॉट एबल टू स्लीप, वो रातों रातों को जागते हैं और आपकी फ़ोटोज़ या आपके दिए हुए गिफ्ट्स हैं, मैसेजेस हैं या कुछ ना कुछ जो आपके रिलेटेड है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ लग रहे हैं। सेल्फ लव, तो सेल्फ लव है और आप लोग एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, डिवाइन काउंटर पार्ट। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो।
एनर्जी बहुत खूबसूरत थी, और माना कि उनकी लाइफ में तकलीफें चल रही हैं, लेकिन कुछ होने के लिए कुछ होना ज़रूरी होता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।